बन रही है, ऊपर देखो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपनी जेठानी के घर, बड़ी वाली जेठानी के घर। तो कल रास्ते का तो वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे ना पूरे रास्ते वॉमिटिंग होती हुई आई है, तो मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाया, ना आने का बना पाया और ना यहाँ आके भी नहीं बना पाया था। हम लोग थोड़ा लेट ही आ पाए थे, रात 7:30 बजे के करीबन आ पाए थे, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इस वजह से मैंने सुबह मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है अपना। तो अभी टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। तो अभी हम लोगों ने चाय वगैरह ले ली है क्योंकि यहाँ पे हम खड़े भी बहुत लेट ही हुए थे, तो हमारी मॉर्निंग हो गई है और नाश्ता भी बन चुका है, मैगी बनी है नाश्ते में। और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है अभी, वैसे फीवर तो ठीक है, आज तो नहीं आया है, कल तो आया था और पता नहीं एक दिन छोड़ के आ रहा है। एक दिन थोड़ा हल्का रहता है, दूसरे दिन तेज हो जाता है, तो इस तरीके से ही आ रहा है। मैं अपनी दवाई वगैरह सब ले रही हूँ, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर मैं यहाँ देखती हूँ, फिर नहीं तो फिर मैं यहीं जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने। अगर ठीक होती हूँ तो ठीक है, एक दो दिन मैं देखूँगी। तो अभी हम लोग मथुरा आए हैं, जो मेरे बड़े वाले भैया हैं, मैंने शायद अपने आपको पहली वीडियो में भी दिखाया है, जो मेरी फार्म हाउस वाली वीडियो है उसमें दिखाया है। तो मेरे बड़े वाले भैया हैं ना, जो मेरे सबसे बड़े वाले जेठ जी, वो मथुरा में ही रहते हैं, उनकी जॉब मथुरा में ही है, वो बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। तो अभी हम लोग उनके यहीं आए हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इनकी भी ठीक नहीं थी, तो इनको डॉक्टर को दिखाना है और मेरी भी ठीक नहीं थी। तो अगर मैं ठीक होती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी जाऊँगी दिखाने। और सभ्या भी ठीक नहीं है, उनको भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, तो देखते हैं। अगर यहाँ का मौसम कुछ ठीक ठाक लग रहा है, हमें अपने यहाँ से यहाँ ठीक लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ कपड़े भी नहीं डाले हैं, मैं ओनली एक स्टॉल में ही बैठी हूँ। तो अब मैं मिलाऊंगी अपनी जेठानी से, वैसे मैंने आप लोगों को पहले क्लिप में दिखा दिया है, तो आप लोग देख ही चुके हैं। और आप लोग अपना ध्यान रखना क्योंकि इस समय फीवर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो वैसे तो आजकल हर कोई बोल रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब है, कोरोना भी ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और ज़्यादा बाहर नहीं जाएं क्योंकि इस समय तबीयत ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। तो अभी बस मैं थोड़ा सा अपने बेड बेड को सही करती हूँ और भैया ऑफिस निकल गए हैं, भैया के लिए खाना पैक कर दिया है दीदी ने और हम लोगों का अभी नहीं हुआ है, हमारा नाश्ता तैयार है और हम सब्जी भी बन रही है। तो बस थोड़ी देर बाद अब मैं मिलती हूँ आपसे। आप पहले मैं थोड़ा सा ये बेड बेड सही कर लूँ और कपड़े वपड़े सही करके रख दी क्योंकि अभी झाड़ू पोछा करने के लिए मेड आने वाली है, तो मतलब वो आए उससे पहले मैं इसे कंप्लीट कर दूँ, इसे थोड़ा सही से मतलब करके रख दूँ। और सभ्या भी अपनी मस्ती में है। मैगी आ गई, मैगी हाँ बन गई। और ये देखो हमारे ज्ञान बाबू आ गए, मैगी ये लो। नहीं मैं नहीं खा रही। क्यों नहीं? अभी मैं नहीं खा रही, अब खा लो। मैं मेरे लिए तो भी है। नहीं तो ले जाओ ना, अभी मैं नहीं खा रही। नहीं नहीं नहीं, बाद में खाओगी? हाँ अभी नहीं मैं खा रही, ठीक है। मैंने ब्रश भी नहीं किया है, मैं खा लूंगी बाद में। तुम खा लो, अम्मा को दे दो, चाचा को दे दो, अम्मा को दे दो, सभ्या को खिला लो। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद क्या, मैं थोड़ा बहुत तो मतलब यही है ना, दीदी के साथ थोड़ा बहुत दिखवा लूँ जी, बेड वेड सही करना है और तो कुछ करना नहीं है। सब्जी हमारी रेडी है और मैं नाश्ता भी बन गया है, तो बस अब मेड आएगी झाड़ू पोछा करने, बर्तन करने, उसके बाद ही कुछ होगा। तो बस मैं जल्दी से फटाफट इस काम से फ्री हो जाऊँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे मैं बिस्तर कर रही हूँ सही, बेड वेड सही करना है मुझे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे ये मैं ब्लैंकेट
उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। जब वो फिर से ओढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर खोल लेंगे, मतलब निकाल लेंगे। और अभी तो मैं इनको रख देती हूँ, क्योंकि अगर कपड़े डले रहे ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता, अगर फैला फैला सा लगता है। तो पहले बेड सही हो जाए, बिस्तर एक साथ मतलब इकट्ठी करके रख दो, तो वो तब ज़्यादा अच्छा लगता है। और नहीं कितनी भी सफाई हो जाए, मतलब कितना कुछ भी कर लो, अगर बिस्तर फैला रहे ना तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता कि कुछ साफ़ हुआ है। तो बस मैं वही करने जा रही थी। तो इधर वाला मैंने जो जिस बेड पर हम सोए थे वो वाला मैं कर रही हूँ, और एक बेड और रह गया है तो उसे भी कर दूँगी बाद में। तो पहले मैं इसे ही कर लूँ सही। और हम काफ़ी लेट खड़े हुए थे, तो अभी 9:30 का टाइम हो रहा था। तो ये दूसरा वाला, दो ब्लैंकेट हैं, दूसरा वाला है। तो बस मैं इसे भी जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। तो बस मैं इस वाले ब्लैंकेट को भी फोल्ड करके जल्दी जल्दी से रख देती हूँ, जल्दी जल्दी फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी सभी आ जाएगा तो फिर वो मुझे करने नहीं देगा। और बस मुझे बिस्तर ही सही करना है, तो बस मैं इसे अच्छे से फोल्ड करके और रख देती हूँ। और ना आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो कोई भी यूट्यूबर हैं और वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर दिया करो, जिससे मैं आपको रिटर्न कर सकूं। अगर एक बार में अगर रिटर्न नहीं कर पा रही हूँ ना, तो आप मुझे दोबारा भी मैसेज कर सकते हो जाता है ना, कभी कभी भूल जाते हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ ना, तो प्लीज़ आप दोबारा मैसेज कर दिया करो। क्योंकि तुरंत करो ना, तुरंत दिमाग में रहता है, तुरंत करो तो फिर अन हो जाता है, इसलिए 24 घंटे बाद ही करना होता है। तो अगर 24 घंटे में भूल भी जाती हैं, बच्चा छोटा है तो कभी कभी नहीं ध्यान रहता है, भूल जाती हैं, तो प्लीज़ आप दोबारा मैसेज कर दिया करो कि आपने रिटर्न नहीं किया है, तो मैं कर लिया करूँगी। अगर कर दिया होगा ना तो मैं आपको वैसा मैसेज कर दूँगी कि हाँ मैंने कर दिया है, अगर नहीं किया होगा तो मैं रिटर्न कर दूँगी। तो प्लीज़ आप मैसेज छोड़ दिया करो, तो जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कि मैंने किसको रिटर्न किया है किसको नहीं किया है। तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, आप मुझे करो मैं नहीं कर पाऊँ तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि मैं ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा बना दो तो फिर कोई देखता भी नहीं है और बोर भी हो जाती है। और देखती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ अच्छे से अच्छा वीडियो, मतलब वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, जिससे आपका भी इंटरटेनमेंट हो और आपको अच्छा लगे, कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ कि, लेकिन नहीं हो पाता है, धीरे धीरे हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग इसी तरह से मेरा सपोर्ट कीजिए, और आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं उसके लिए थैंक यू। मैं तहे दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ। तो आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें मुझ पर, और आप मुझे यहाँ तक लेके आए तो आगे भी लेके जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली, टेक केयर।